नमस्कार नयन तक बिहार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि दहेज लोभियों को दहेज मांगना महंगा पड़ गया। बताते चले कि दरअसल मामला यह सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र के नया गांव का है, जहां राजेश सोनी ने अपनी बेटी की शादी महाराजगंज थाना के बलिया पुखरा गांव निवासी शत्रुघ्न सोनी के पुत्र किशन सोनी से तय किया था। गुरुवार को मेहदार मंदिर में शादी होनी थी। शादी के लिए दूल्हे पक्ष के लोग मंदिर पहुँचे। जैसे ही शादी की रस्म शुरू हुई, दुल्हा, उसकी माँ सुभावती देवी, भाई कन्हैया सोनी, सुदामा सोनी, मुरारी सोनी दहेज में बाइक नहीं देने वो सामान कम देने को लेकर के विवाद खड़ा कर दिया। इसके बाद मान मनोवल का दौर शुरू हुआ और मान मनोवल के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें दुल्हन के मामा कृष्णा सोनी, पिता राजेश सोनी सहित चार लोग घायल हो गए। वहीं दूल्हा पक्ष की एक महिला समेत दो लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद लड़की की मांग में सिंदूर पड़ने से पहले ही बारात वापस लौट गई। तो आप बड़ी खबर देख रहे हैं, सिसवन थाना क्षेत्र के नया गांव का है। यहां पे मेहदार मंदिर में शादी होनी थी, महाराजगंज से बारात आई थी और लड़का 30,000 रुपये और मोटरसाइकिल की जिद पर अड़ गया, जिसको लेकर के जमकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जो लोग देख रहे खबर को लाइक कर दे, शेयर कर दे, धन्यवाद। पुलिस आ गया। पूरा वीडियो बन गया। देखो हाथ छोड़ रहे हैं सर, ये हाथ छोड़ रहे हैं हम लेडीजों पे भी, मम्मी पे भी। ये देखिए सर, देखिए देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, सर यहाँ छोटे लेडी से बहुत मारे। पल्ला मामी।